अरे अरे, ये क्या हुआ? मतलब शहनाज से मिलने के बाद अचानक से हृदय परिवर्तन, अचानक से जज्बात, इमोशन सब बदल गए शहनाज को लेकर के। चलो अच्छी बात है, क्योंकि शहनाज गुलाई ऐसी भाई जो भी पर्सनली मिलता है उनका फ़ैन हो जाता है। बात कर रहे हैं हम शहनाज से अभी हाल ही में मिली अनुपमा फेम रूपाली गांगुली। जी हाँ, आप पूछेंगे कि भाई उन्होंने क्या किया। उन्होंने दरअसल कुछ भी नहीं किया है, बस इतना किया था कि बिग बॉस 13 के टाइम उन्होंने थोड़ा सा शहनाज को बोला था कि वो इरिटेट करती हैं और वो लॉयल नहीं है, ऐसा है वैसा, कुछ बहुत सारी चीज़ें बोली थी उन्होंने। बिना नाम लिए हुए शहनाज को टारगेट किया था कि वो थोड़ी देर हंसती हैं, थोड़ी देर में रोने लगती हैं, इस तरीके की बातें हुई थी। भाई फैंस को उनसे कुछ भी मतलब नहीं है, फैंडम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई शहनाज की पावर तो देखो भाई, मिलते ही किस तरीके से लोगों के हृदय परिवर्तन होते हैं, किस तरीके से जज्बात बदल जाते हैं शहनाज को लेकर के। और तो और उन्होंने जो कैप्शन लिखा है, बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई है शहनाज गुल से। उन्होंने लिखा है, यू आर द क्यूटेस्ट, लॉट्स मोर टू टॉक, वी हैव टू मीट सून, कि हम जल्द ही मिलना चाहेंगे। भाई ये बातें देखने के बाद फैंस भी यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं मोहतरमा के रंग और जो उनके जज्बात थे शहनाज को लेकर अचानक से कैसे बदल गए। और तो और पोजेस में भी फैंस को दिखा कि कितनी ज़्यादा दोनों दोस्त बन चुकी हैं, अच्छी बात है। और फैंस भी यही चाहते हैं कि शहनाज अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और एक से एक अच्छे फ्रेंड्स बनाएं, लाइफ उनका जो सर्कल है फ्रेंड सर्कल वो बढ़े। बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि शहनाज गुल का ये ऑरा है, उन्होंने ये ऑरा बहुत सेट किया है डेफिनेटली। वो जहाँ जाती हैं लोग उनके फ़ैन हो जाते हैं और उनसे दिलचस्पी रखते हैं उनसे बात करने के लिए, क्योंकि ये शहनाज गुल है। जी हाँ,